दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हॉलीवुड की जबरदस्त एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। हमेशा की तरह सारे मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप लोग जाकर देख लेना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आप एक अच्छी मूवी को मिस कर देंगे। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये सारी मूवी विदाउट परमिशन डाली जाती है, तो कभी भी डिलीट हो सकती है। तो आप लोग जल्द से जल्द जाकर सारी मूवी को देख लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे हमें काफी मोटिवेट मिलता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। और अगर सुबह तक तुम्हारा इरादा बदल दो तो दुनिया को बचाने के लिए हम मरने को तैयार, तुम अपना बताओ। नंबर 6 है एज ऑफ टुमारो। यह एक कमाल की एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। यह मूवी 2014 में आई थी। बात करें कहानी की, तो इसमें पृथ्वी के अंदर बहुत सारे एलियन आ जाते हैं। अब ऐसे में एलियन आने के बाद इंसानों पर हमला कर देते हैं। अब जितने भी सारे सोल्जर होते हैं वो एलियन से भिड़ जाते हैं, जिसमें एक का नाम केज होता है। दरअसल केज के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। केज जब भी इस जंग में मरता है, वो अपने लाइफ में एक दिन पहले पहुंच जाता है। वैसे में केज के साथ क्यों ये ऐसा हो रहा था, इसे जानने के लिए आप इस मूवी को देख लेना। इस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया, इसे IMDb की तरफ से 7.9 की रेटिंग मिल चुकी है। लिस्ट की नंबर 5 है बोडिका क्वीन ऑफ वॉर। 2023 की बनने वाली एक एक्शन ड्रामा मूवी है। बात करें कहानी की, तो यह मूवी आपको वक्त में काफ़ी पीछे ले जाएगी, जहां हर जगह रोम का ही कब्जा होता है। वैसे में एक लेडी होती है जिसका नाम बोडिका होता है, और लोग उसे देवी के रूप में पूछते हैं। वैसे में बोडिका के ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि वो सारे लोगों की हिफाजत करे। अब वैसे में वो रोम से किस तरह से युद्ध करती है और लोगों को बचाती है, बस इसी मिस्ट्री कहानी को जानने के लिए आप इस मूवी को देख लेना। इस मूवी को भले ही IMDb से कम रेटिंग मिली है, पर इस मूवी को आप मिस मत करना, एक कमाल की मूवी। इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.4 की रेटिंग मिल चुकी है। लिस्ट की नंबर 4 है राइड ऑन। 2023 की बनने वाली कमाल की एक्शन कॉमेडी बेस्ड मूवी। बात करें कहानी की, तो इसमें लव की स्टोरी को दिखाया गया है, जो कि एक स्टैंडमैन का काम करता है। वैसे में उनका बजट ज्यादा नहीं होने की वजह से उनकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है। अब ऐसे में लव के पास एक घोड़ा होता है, जिसे लव सारा कुछ सिखा रखा होता है। वैसे में काफी ज्यादा कर्जा होने की वजह से कुछ लोग उसके घोड़े को उठाकर ले जाते हैं। लव निकल पड़ता है अपने घोड़े को वापस करने के लिए। देखना यह होगा कि क्या लव अपने घोड़े को वापस कर पाता है कि नहीं, बस इसे जानने के लिए आप इस मूवी को देख लेना। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.7 की रेटिंग मिल चुकी है। नंबर 3 पे बैलेरिना। यह एक कमाल की एक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी है। बात करें कहानी की, तो इसमें एक ओकाजो नाम की लड़की की स्टोरी को दिखाया गया है, जिसे कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसकी बॉयफ्रेंड को किसी ने मार डाला है। वैसे में ओकाजो निकल पड़ती है अपनी बॉयफ्रेंड के कातिल का बदला लेने। ऐसे में ओकाजो किस तरह से अपनी बॉयफ्रेंड की कातिल को ढूंढता है और उसे मारता है, बस इसे जानने के लिए आप इस मूवी को देख लेना। आपको एक्शन थ्रिलर वाली मूवी देखना पसंद है, तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.3 की रेटिंग मिल चुकी है। नंबर 2 पे स्पाइडरमैन होमकमिंग। यह 2017 की बनने वाली कमाल की एक एक्शन फैंटास्टिक मूवी है। बात करें कहानी की, तो इसमें स्पाइडरमैन सिविल वार के बाद अपने अगले मिशन के लिए इंतजार कर ही रहा होता है कि उसे पता चलता है कि उसके शहर में कुछ इविल लोग, जो कि एलियन टेक की मदद से काफ़ी खतरनाक विपद बना रहे हैं। वैसे में स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश करता है, क्या स्पाइडरमैन उस एविल लोगों को रोक पाता है कि नहीं, इसी से जानने के लिए आप इस मूवी को देख लेना। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.4 की रेटिंग मिल चुकी है। आपको एक्शन फैंटास्टिक वाली मूवी देखना पसंद है, तो आप इस मूवी को मिस मत करना, इस मूवी को जरूर देखना। लिस्ट की नंबर 1 पर पैरेट्स ऑफ द कैरेबियन। यह कमाल की एक्शन थ्रिलर साइंस फिक्शन मूवी है। बात करें कहानी की, तो इसमें कैप्टन जैक स्पैरो की स्टोरी को दिखाया गया, जो कि अपने जादू कैंपस से बहुत सारे ऐसे शापित लोगों को आज़ाद कर देता है जो कि जैक स्पैरो को मारना चाहता है। वैसे में जैक स्पैरो खुद को बचाने के लिए जर्नी पर निकल पड़ता, जहाँ पे एक जादुई अनोखी चीज़ को वो पा सके। अब इसी बीच जैक स्पैरो को पता चलता है कि उसका बहुत पुराना दुश्मन लौट आया है, जो कि जैक स्पैरो को मारना चाहता है। तो देखना यह होगा कि जैक स्पैरो इन लोगों से कैसे खुद को चाहता है, तो इसे जानने के लिए आप इस मूवी को देख लेना। इस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, इसे IMDb की तरफ से 5.9 की रेटिंग मिल चुकी है। आपको ये सारे मूवी कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।